अभी कुछ सालों में आपने देखा होगा मॉल्स में वगैरह आप जाते होंगे, टॉयलेट्स में वगैरह जाते होंगे, तो वहाँ पे सैनिटरी नैपकिन अवेलेबल हो जाते थे। आजकल कॉस्टिंग उसकी कम होती जा रही है, टेक्नोलॉजी उसमें डेवलप होती जा रही है। तो यह सारी चीजें क्यों हो रही है? बिकॉज ये हाइजीन जो ये पार्ट है यह हमारे इंटरनल हेल्थ से भी बहुत ज्यादा जुड़ गया है। इस हाइजीन को अगर आप मेंटेन नहीं करते तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके साथ साथ आपको यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर, यूटेराइन कैंसर भी यहाँ पे डेवलप होने के चांसेस है अगर आप हाइजीन नहीं मेंटेन करते हो तो। और इसी की वजह से हाइजीन के ऊपर बात करना और बात करने के बाद जो चीजें हम आपको बताते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि आप बहुत अच्छे से आपके पूरी तरीके से हेल्थ को मेंटेन करो। देखो कैसे होता है ना, आप आपके फेस को, आपके बॉडी को, आपके पाव को, आपको हाथ को इजीली क्लीन कर सकते हो, बट हमारे इंटीमेट एरियाज ऐसे है ना कि आप उसको इजीली क्लीन नहीं कर सकते हो। कोई भी ऐसी चीजें उठा के हमने उसके ऊपर लगा दी, कोई भी क्रीम हमने ले ली और उसके ऊपर अप्लाई कर दी, कोई भी मॉइस्चराइजर लिया इसके ऊपर अप्लाई किया, ऐसे नहीं चलेगा, राइट? उसके ऊपर काम करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन की जरूरत लगती है, स्पेसिफिक पीएच बैलेंस की जरूरत लगती है, और वो सारे जो प्रोडक्ट्स यूज हम करेंगे वो केमिकल फ्री होना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर उसमें कोई भी केमिकल ऐसे आ गया जो आपकी स्किन को इरिटेशन दे रहा है तो जल्दी से कैंसर डेवलप वहाँ पे हो सकता है, वहाँ पे बहुत बड़ी इन्फेक्शन क्रिएट हो सकती है और जिसकी वजह से फिर हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो गई या आगे जाके कई सारी कॉम्प्लिकेशंस आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो आप फेस का कोई भी कॉम्पोजिशन लगा लोगे ना तो एक टाइम पे चल जाता है। मतलब हमने ऐसे सोच लिया कि चलो बेसन और दूध को मिला के लगा लेते हैं फेस पे तो चल जाएगा, थोड़ा बहुत क्या एलर्जी हो सकती है, थोड़ा बहुत एक दो दिन पिंपल आ जाएगा और वो बाद में सॉर्ट आउट भी हो जाएगा। बट आपके इंटीमेट एरियाज की स्किन के लिए आप ये सारी चीजें अप्लाई नहीं कर सकते। ये सारी चीजें अगर अप्लाई करने लगोगे तो पहले तो पीएच डिस्टर्ब हो जाएगा और उसके बाद जो इरिटेशन और इचिंग आपको जो होगी वो तो अलग लेवल की होगी। और उस वो चीज ऐसी है ना कि हम उसको, मतलब हमारे स्किन को हम ओपन एरिया में ओपन करके रख सकते हैं, इंटीमेट एरियाज में अगर कोई इन्फेक्शन हो सकता है तो हम पहले तो किसी से बात नहीं कर पाते कि ओपनली नहीं बोल पाते कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ा सा हम हिचकते हैं, थोड़ा सा हमें ऐसे शाई फील होता है कि कैसे हम बोले, तो ये दूसरी प्रॉब्लम। और फिर तीसरा कि हमें सॉल्यूशन भी नहीं पता होता कि क्या करें उसके ऊपर, और इसीलिए इसके ऊपर बात करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए आज का सेशन जो है वो लाया गया है ताकि हम इसके ऊपर ओपनली बात कर सके। जो जो छोटे छोटे इंसाइट्स होते हैं ना बहुत कम लेडीज को पता होता है। लेट मी क्लियर यू, मतलब एक एक चीज मैं बता देती हूँ। अभी भी जितनी भी लेडीज यूज कर रही है सैनिटरी नैपकिन्स, उनको ये नहीं पता होगा कि उसको यूज किया कैसे जाता है, उसको फोल्डिंग्स क्यों होते हैं, वो ओपन ऐसे नॉर्मल क्यों नहीं होता, या नॉर्मल जो होते हैं सिंगल हैंडेड वो फिर सही से प्लेस क्यों नहीं होते, या उसकी प्लेसमेंट कैसे करनी है। इसी से शुरुआत कर लेते हैं। चलो यही एक जो क्वेरी आजकल बहुत ज्यादा फैल रही है उसी के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि मैं जो भी एक सैनिटरी नैपकिन होता है उसके 3 फोल्ड होते हैं, लाइक एक फोल्ड छोटा होता है, एक फोल्ड बड़ा होता है। अगर आप कोई भी सैनिटरी नैपकिन लोगे ना तो अभी आपको मैम जैसे डेमो दिखाएगी, तो वो जैसे डेमो दिखाते वो आपको बता देगी कि उसके फोल्डिंग कैसी होती है। तो जो बड़ा फोल्ड होता है ना वो आपके फ्रंट साइड पे आना चाहिए। सो मैम ने ले लिया है, तो मैम जैसे खोलेगी तो उसमें 3 फोल्ड होते हैं, 3 पार्ट आपको मिलेंगे, 2 फोल्ड होते हैं उसमें। तो उसका जो बड़ा पोर्शन होता है वो हमेशा फ्रंट साइड पे आना चाहिए। वो अगर फ्रंट साइड पे आएगा तो वो सही तरीके से प्लेस होगा। अब वो जो 2 आपको बीच में फोल्डिंग मिलती है वो आपके बीचों बीच, आपके जो आप अंडरगार्मेंट्स यूज करते हो आपके पैंटी के बीचों बीच वो आना चाहिए। तो आपका जो बीच का पैच होता है उसके ऊपर वो प्लेस होना चाहिए सही से। मैंने ओपन किया है, ये फर्स्ट फोल्ड है एंड ये हमारा सेकेंड फोल्ड। तो सेकेंड फोल्ड अभी और फर्स्ट फोल्ड में अगर आप डिफरेंस देखोगे ना तो सेकेंड फोल्ड थोड़ा बड़ा है, साइज बड़ी है, लेंथ में बड़ा है, तो वो आपको फ्रंट साइड पे चाहिए। अगर वो आप फ्रंट साइड पे लगाओगे तब जाके वो सही से प्लेस होगा, फिर वो हिलेगा नहीं, डिस्टर्ब नहीं होगा। और जो एक प्रॉब्लम होती है ना कि नहीं मैम हम कंफर्टेबल नहीं हो पाते सैनिटरी नैपकिन यूज करने के बाद, क्योंकि वो निकल जाते। मतलब आप ये बोल रहे हो प्रणाली कि अगर ये जो छोटा वाला हिस्सा है ये बैक साइड जाएगा और जो बड़ा वाला हिस्सा है इसको हम फ्रंट साइड पे लगाएंगे।
प्रणाली आपको आवाज आ रही है मेरी? यस यस मुझे आ रही है। आई गेस मेरे यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जस्ट गिव मी वन सेकेंड। नो प्रॉब्लम। ओके नाउ आई एम ऑडिबल? यस प्रणाली। ओके तो यस, जैसे कि मैम ने आपको बताया एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो छोटा अगर आप साइड पे फ्रंट साइड पे लगाओगे ना तो आपके लीकेज जो है ना फिर वो ज्यादा होगी और आपको स्पॉटिंग आएगी आपके क्लोथ्स के ऊपर। तो हमेशा जो लेंथ में बड़ा है जो पीस वो आपके सामने आना चाहिए, तब जाके उसकी प्लेसमेंट सही से होगी, क्योंकि जो आशा आपकी ब्लीडिंग हो रही है वो इस डायरेक्शन में होती है, मतलब आपका ये फ्रंट साइड होगा तो ब्लीडिंग इस डायरेक्शन में होती है ना कि इस डायरेक्शन में। तो अगर आप छोटा वाला इस डायरेक्शन में लगाओगे, फ्रंट साइड पे लगाओगे, तो वो ब्लीडिंग आउटकर्स में जाने के चांसेस है, वो लीक हो जाएगी और फिर स्पॉटिंग होने के चांसेस है। तो यहाँ पे आपको हमेशा जो बड़ा पार्ट है वो आपको फ्रंट साइड पे रखना है, छोटा पार्ट जो है लेंथ में, ठीक है, मैं ब्रॉड की बात नहीं कर रही हूँ, ब्रॉड तो सबकी सेम, विड्थ तो सबकी सेम है, मैं लेंथ की बात कर रही हूँ। तो लेंथ में जो बड़ा हिस्सा है वो आपको फ्रंट में लगाना है, लेंथ में जो छोटा है वो बैक में, तब जाके उसकी प्लेसमेंट सही से होगी। और फिर आपको जो प्रॉब्लम आती है कि मैम विंग सही से क्लोज नहीं हो रहे हैं या वो डिस्प्लेस हो रहा है जगह से, ये आपको जो कंप्लेंट आती है ना जो नॉर्मल, वो आपको यहाँ पे नहीं आएगी। आई गेस ये आपकी जो बेसिक क्वेरी है अभी वो क्लियर हो चुकी होगी कि इसको प्लेस कैसे करना है। तो इसका एजुकेशन आपको सबको देना है, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके घर में जितनी छोटी बच्चियां हैं, आपके कलीग्स हो गए, ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। और ये सभी स्टैंडर्ड है, मतलब आप किसी भी सैनिटरी नैपकिन्स को अगर आप लेते हो तो ये सब में ऐसे ही होता है, राइट? तो दिस इज द फर्स्ट क्वेरी जो लोग ज्यादा फेस करते हैं। यस मैम, सेकंड क्वेरी ये है मेरे पास, जो मेरे पास क्वेरीज आती है लोगों की, वो जैसे मेरा स्किन केयर है, ठीक है, मेरा स्किन केयर में क्या मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ लोगों को कि आफ्टर द एज ऑफ 16-17 ये आप स्किन पे केयर कीजिए या आप स्किन पे क्रीम लगाइए। बट नाउ डेज अगर हम देखेंगे जो हमारा जो फूड हम हाइब्रिड खा रहे हैं, जिसके कारण आजकल एट द एज ऑफ 12 एट द एज ऑफ 13 गर्ल्स को ये पीरियड्स शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब मम्मी जो मदर्स होती है उनका कंसर्न ये होता है कि बच्ची छोटी है तो हम उसको शुरुआत में पहले कपड़ा दे एंड देन फिर वो 18-19 साल की होगी फिर हम उसको सैनिटरी नैपकिन बताएंगे जब वो समझदार होगी तब। तो शुरुआत में मेरे हिसाब से ये तो सही नहीं है कि शुरुआत में हमसे कपड़ा दे, बट आप एग्जैक्टली हमें बता सकती हो कि शुरुआत में कपड़ा देना सही है या शुरुआत से उसको सैनिटरी नैपकिन देना सही है? ग्रेट। देखो बच्चा जब जन्म लेता है ना तो क्या मम्मी उसको चाइनीज कॉन्टिनेंटल इटालियन खाना दे देना शुरू कर देती है क्या? नहीं ना, वो क्या करती है होम कुक जो न्यूट्रिशियस खाना है और जो हेल्दी खाना है वो देना शुरू करती है। अभी आप ही मुझे जवाब दे दो कि कपड़ा ज्यादा हेल्दी है कि सैनिटरी नैपकिन ज्यादा हेल्दी है, तो मैं ये आपके ऊपर छोड़ देती हूँ, ठीक है। तो जो आपको हेल्दी लगे ना उससे शुरुआत करनी है, राइट? देखो ये हमारी मेंटेलिटी है, यहाँ पे कुछ ना साइकोलॉजी हमारी कुछ ऐसे चलती है। हमारी मम्मी क्या सोचती है कि नहीं जैसे हमने किया वैसे हमारी बच्चों को भी, एटलीस्ट हाइजीन के मामले में, बाकी सारी चीजें नहीं, जो जो अच्छी चीजें आपको मिली है हम ऐसे ही सोचते हैं कि हमारी माँ ने जैसे किया ऐसे आपको करना है। तो हमारी मम्मी की भी शुरुआत कुछ ऐसी हुई है क्लोथ के साथ। तो मम्मी हर एक की मम्मी की मेंटालिटी चलती है कि नहीं मेरी शुरुआत ऐसे हुई तो मेरी बेटी की भी वैसे होगी। बट यहाँ पे अभी मम्मियों को समझना जरूरी है कि जमाना बदल चुका है, चीजें डेवलप हो चुकी है, पोल्यूशन लेवल बढ़ चुका है, न्यूट्रिशन लेवल खाने का घट चुका है, एनवायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, उस अकॉर्डिंगली हमारे हैबिट्स को हमें चेंज करना जरूरी है। तो सैनिटरी नैपकिन्स डे वन जब से आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो रही है तब से यूज करना है, ताकि फ्यूचर में आपने देखा होगा ना आजकल मम्मियां बहुत कंप्लेन करती है कि ब्लैकनेस हो रही है, फंगल इन्फेक्शन हो रही है, इचिंग हो रही है, फुंसी आ रही है, ये जो शिकायतें है ना ये फिर आपकी बच्चियां नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि आपने एक हेल्दी चीज जो है वो आपके जनरेशन के लिए दी है, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट? तो पहले से ही हेल्दीनेस से शुरू कीजिए, पहले से ही शुरुआत कीजिए सैनिटरी नैपकिन से, वो उनके हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा, ताकि आपको कोई दिक्कत यहाँ पे ना आए। यस, इसके बाद और एक, हाँ जी, अच्छा आप बता दीजिए फिर मेरा क्वेश्चन पूछती हूँ। यहाँ पे एक चीज मैं और एड करना चाहूंगी कि कब सैनिटरी नैपकिन चेंज करना है, दिस इज वेरी वेरी कॉमन।
देखो आपको हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि मैम हैवी ब्लीडिंग हो रहा है और 2 घंटे के अंदर ही हमारे सैनिटरी नैपकिन फुल हो रहा है, आप तुरंत वहीं पे चेंज कर लीजिए, राइट। पर इतना बहुत रेयर होता है, बहुत कम लेडीज में ये कंडीशन आती है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एवरेजली 4 से 5 घंटे के बाद आपको नैपकिन चेंज करना है, चाहे वो यूज हुआ है चाहे वो यूज ना हुआ है, पर 4 to 5 hours के बाद, 4 से 5 घंटों के बाद आपको नैपकिन जो है चेंज करना है। अदरवाइज भी यहाँ पे इन्फेक्शन होगा, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। तो 4 से 5 घंटे के बाद नैपकिन जरूर चेंज होना चाहिए। यस मैम। अच्छा, अब बहुत कॉमन क्वेश्चन है एक्चुअली ये, बट कंफ्यूजन बहुत है इसमें। एट द यंगर एज जो मैंने मार्क किया है, खैर ये होता हर एज में लेकिन यंगर एज में बहुत ज्यादा होता है, लाइक एक तो फ्लो बहुत ज्यादा होना एंड देन स्टमक एक होना, देन बैक पेन होना, ये सारी चीजें होती है। एंड इन दैट केस हम एक हैबिट डलवा देते, बिकॉज आई नो जब मैं छोटी थी मुझे भी ये जब प्रॉब्लम शुरू हुई थी हैबिट डलवा दी गई थी कि हैव टैबलेट, पेन्स हो रहे हैं तो हैव टैबलेट, टेक अ रेस्ट। बट नाउ अडेज जितना हमारा फास्ट हमारा डे चलता है, हम जितने फास्ट चलते हैं, आई डोंट थिंक हम उन दिनों में भी रेस्ट ले। एंड एज ए न्यूट्रिशियंस मैं समझती हूँ आप ही सही व्यक्ति जो हमें बता सकते हो कि क्या हमें टैबलेट लेना चाहिए या इसका कोई और इलाज है हमारे पास। देखो आई विल मस्ट से कि बेसिकली जैसे हमने न्यूट्रिशन की स्टडी की, बिकॉज आई एम फ्रॉम फार्मा बैकग्राउंड ऑल्सो, आई हैव डन बैचलर ऑफ फार्मेसी, तो एक्चुअली मेरा जो कल्चर है स्टडी का या मेरी जो पढ़ाई है, तो मुझे यही बोलती है कि आप केमिकल्स खाओ, एलोपैथी खाओ, मेडिसिन खाओ, राइट। बट जो लोग इसको सीरियसली पढ़ते हैं ना, वही लोग समझते हैं कि इसको यूज कब करना है कब नहीं करना है। तो यहाँ पे एक जो चीज हमें पहले समझनी है कि जब आपकी चीजें एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती है ना, एक्सट्रीम अनकंट्रोलेबल अनबियरेबल है कि मैम बिल्कुल सहन नहीं हो रहा, यू गो फॉर टैबलेट, बट आफ्टर डॉक्टर कंसल्टेशन ओनली। ऐसे नहीं है कि मेरी फ्रेंड ले रही थी एक पेन किलर तो मेरा भी पेट दर्द हो रहा था तो मेरे फ्रेंड ने मुझे दे दी। ये हैबिट कॉलेज लाइफ में बहुत चलती है, प्लीज ये स्टॉप कीजिए, ये बहुत ज्यादा गलत है। जो मेडिसिन आपको सूट होगी, इट इज नॉट कंपल्सरी कि वो मेडिसिन दूसरों को भी सूट होगी, तो ये हैबिट पहले तो नहीं करनी है। दूसरा, सहन करने की आदत लगाओ। इट्स नॉट अबाउट अदर थिंग, इट्स अबाउट मेंस्ट्रुअल पेन। बाकी चीज के लिए मैं सहन करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट आपका मेंस्ट्रुअल पेन होता है थोड़ा बहुत बेयर करो, बिकॉज मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे। आपके यूटेरस के जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, एक मैकेनिज्म चल रहा है, तो थोड़ा पेन आपको होगा, बट इट्स बियरेबल, मतलब हम उतना तो सहन कर सकते हैं। अगर एक लेडी को प्रेगनेंसी साइकिल दी है ना, तो आप समझ लीजिए कि हम बहुत स्पेशल है, क्योंकि उस टाइम पे जो पेन होता है ना वो बहुत अलग लेवल का होता है। मतलब डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं कि कैसे ये महिला इतना पेन जो है वो सस्टेन कर पा रही है। तो पेन को पहले तो बियर कीजिए, बिल्कुल भी नहीं हो रहा आपको सहन, तो गर्म पानी की थैली सबके पास होती है घर में, गर्म पानी की थैली यूज कीजिए। जब भी आपको जहाँ पे पेन लगे थोड़ा भी, गर्म पानी की थैली हमेशा रखनी है पास में, और उसको आपके यूटेरस के यहाँ जहाँ पे पेन हो रहा है वहां पे लगा दीजिए। आपकी जो बैक होती है उसको गर्म पानी से सेक दे दीजिए, ताकि मसल्स रिलैक्स हो जाए, और जितना मसल्स रिलैक्स रहेंगे आपको पेन फील नहीं होगा। दूसरा, आपके डाइट के अंदर फ्लैक्स सीड्स और आपका प्रोटीन, ये दोनों चीजें बढ़ानी है। तो फ्लैक्स सीड एंड प्रोटीन आप जितना लेते हो वो आपके क्रैम्प को कम करते हैं। और तीसरा पार्ट होता है ऑफकोर्स हाइजीन। हाइजीन अगर आप सही से मेंटेन करोगे तो वैसे ही आपके क्रैम्प जो है वो खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हेवी ब्लीडिंग जरूर होगी बहुत सारे लेडीज में, पर क्रैम्प महसूस नहीं होगा क्योंकि उन्होंने हाइजीन मेंटेन कर रखी है। उनके डाइट के अंदर फ्लैक्स सीड्स है, उनके डाइट के अंदर प्रोटीन की मात्रा है, तो इसलिए जब आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पे जाते हो ना स्पेशली उस दिन पे, तो पनीर वाली चीजें या अगर आप नॉनवेज खाते हो तो ज्यादा नॉनवेज या चिकन सूप हो गया, एग्स हो गए जिसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, वो आपके डाइट के अंदर डालना शुरू कीजिए, ताकि आपको बहुत ज्यादा वहां से प्रोटीन मिले, तो क्रैम्प इजिली कम हो जाएगा, मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। यस मैम। इसके अलावा हमारे सैनिटरी नैपकिन में, क्योंकि हमारे पास जो सैनिटरी नैपकिन है, तो हमारे सैनिटरी नैपकिन में ऐसी क्या खासियत है कि हम इसको लगाने से हमारे क्रैम्प्स कम हो सकते हैं? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो हमारा सैनिटरी नैपकिन और मार्केटेड सैनिटरी
सैनिटरी नैपकिन में ये जो अभी मैम के हाथ में है इसमें जमीन आसमान का फर्क है. आई विल मस्ट से बिकॉज वी हैव डू सो मेनी रिसर्च ऑन दिस सैनिटरी नैपकिन. जब इसको लॉन्च करने का टाइम था बहुत सारे स्टडीज इसके ऊपर किए गए हैं और बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी से ये प्रोडक्ट बनाया गया है. इसकी जो पहली खास बात है कि यह 100% कॉटन बेस्ड है. ये पूरी तरीके से कॉटन से बना हुआ है और मार्केट में जो भी सैनिटरी नैपकिन से ज्यादातर वो प्लास्टिक बेस्ड होते हैं जबकि स्किन को पहले इरिटेशन देते हैं. इरिटेशन होना शुरू हुआ मतलब इन्फेक्शन होना शुरू हो गया है. तो ये पहली खास बात हमारे सैनिटरी नैपकिन की, ये पूरा 100% कॉटन से है. उसकी ऊपर नीचे सभी लेयरिंग जो है वो कॉटन से की गई है. Now the second and most important point about our sanitary napkins is that purple chip, जो भी आपको मैम दिखा रही होगी जो आपके बीच में एक पर्पल चिप दिख रही होगी जिसके ऊपर ब्लैक कलर की लाइनिंग है. तो ये जो एक चिप है इसको बोला जाता है ग्राफीन एनायन चिप. अभी जो ग्राफीन एनायन चिप है ना ये आपको एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी देती है. शायद आई थिंक मैम का जो नेटवर्क है कहीं ना कहीं स्टक हो गया है. तो हम यही बात कर रहे थे नैपकिन के बारे में. सैनिटरी नैपकिन की अगर बात करें तो यस ये इसकी बात कर रहे थे हम. ये जो आपको पर्पल चिप आई थिंक आपको दिखाई दे रही होगी. अगर आपको दिखाई दे रही है चिप प्लीज मुझे थंब दिखा दीजिए तो मुझे समझ में आ जाएगा. ग्रेट थैंक यू सो मच थैंक्स. तो ये जो चिप है ये चिप जो है ये बहुत सारा काम करती है. ये आपके क्रैम्स को रिड्यूस करने का काम करती है. सो हमारे जो यंगस्टर्स है जो हमारी यंग लड़कियां हैं यंग बच्चियां हैं जिनको प्रॉब्लम होती है इसको लेके पेन्स को लेके क्रैम्स को लेके स्टमक एक है बैक पेन है लेग्स का पेन होना तो बिकॉज ऑफ दिस आप उसका पेन कम हो सकता है रिड्यूस हो सकता है क्रैम्स कम हो जाएंगे एंड सेकेंड चीज टैबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जो हमेशा हम देखते हैं कि बच्चों को टैबलेट हम एज अ मदर आई नो वी कांट सी कि हमारे बच्चे पेन में है सो व्हाट वी डू हम डायरेक्टली सीधा कॉम्बिफ्लेम मोस्टली कॉम्बिफ्लेम वी यूज्ड टू गिव देम. सो स्टॉप गिविंग एनी टैबलेट एनी पेन किलर बेटर गिव देम दिस नैपकिन दैट इज द बेस्ट वन बिकॉज इस नैपकिन में ये चिप जो है ये चिप ग्रिफिन एनॉय चिप ये चिप आपके बैक्टीरिया आपकी बॉडी के बैक्टीरिया को ये कर लेता है साथ साथ में ये पेन को क्रैम्स को कम कर देता है. जस्ट वेट लेट मी सी प्रणाली मैम कनेक्ट हुए या नहीं फिर से. ओके शी विल कनेक्ट वेरी सून है ना. सो मैं जब तक प्रणाली मैम कनेक्ट हो मैं थोड़ा सा इस चिप को बाहर निकाल के आपको बताऊंगी. उसके पहले आपको याद हो तो मैम ने कहा था कि ये पूरा कॉटन लेयर है क्योंकि मैं घर पे बैठी तो मैं ये काम कर नहीं सकती हूँ. लेकिन अगर आपके पास ये नैपकिन और इसके अलावा दूसरा नैपकिन हो तो प्लीज एक बार अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए या वीडियो बनाने के लिए मैं जो बोल रही हूँ वो कर लेना. हमने क्या कहा था इसका जो फ्रंट लेयर है ये वाला जो लेयर है ना ये कॉटन है प्योर कॉटन लेयर है. बाहर के नैपकिन में प्लास्टिक का आता है ये है ना. सो आपको अगर चेक करना है कि सच में कॉटन है या प्लास्टिक है आप क्या करोगे दोनों लेयर्स अलग कर दोगे. मैं अभी करके बताती हूँ आपको. इतना सील्ड होता है ये कि आप इसको अलग से मतलब उसको कट करने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा. मतलब ये कि इसमें लीकेज का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है विच इज वेरी गुड. तो प्रणाली मैम हमारे साथ आ गए वापस. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. थोड़ा सा प्रॉब्लम मैम वी अंडरस्टैंड कि नेटवर्क इशू है बहुत ज्यादा. सो मैं ना मैम आपके एब्सेंस में अब तक की ये दिखा रही थी तो मैं पहले इस जस्ट एक बार दिखा देती हूँ. फर्स्ट लेयर जो आपने कहा था कॉटन लेयर जो है हमारा फर्स्ट लेयर सो आई एम जस्ट शोइंग दैट ओनली.
ये हमारी पहली लेयर है जो हम बोलते हैं कॉटन लेयर है, जबकि दूसरे नैपकिन में ये प्लास्टिक लेयर होती है। और इसको अगर आपको चेक करना है तो द राइट वे इज दैट कुछ करना नहीं है, इस लेयर पे सिर्फ माचिस की तीली लगा देना जला के, ये पूरा कपड़े के जैसा जलेगा। और जो दूसरा नैपकिन होगा मार्केट वाला, उसको अगर आप करके देखोगे वो ना जैसे प्लास्टिक सिकुड़ जाता है वो वैसे सिकुड़ जाता है, और इसके अंदर से निकला हुआ है ये चिप। अब मैम आपको आगे बताएगी इस चिप के बारे में। ओके, सो ये जो चिप है यही हमारे प्रोडक्ट की सबसे खास बात है। ये जो चिप है ये है ग्राफीन एनायन चिप, मतलब इसके अंदर मटेरियल है ग्राफीन एनायन मटेरियल। अब ये FIR टेक्नोलॉजी से बनी है। आपने रेस के बारे में सुना होगा, एक्सरेज होते हैं, इंफ्रारेज होते हैं, तो ये जो है ये फार इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। अब इसकी खास बात क्या होती है, जब एक लेडी जो है ब्लीड करती है तो बहुत सारा इन्फेक्टेड ब्लड जो है उनके बॉडी से रिमूव हो रहा है, बाहर हो रहा है। मतलब जब कोई भी एग्स जो रिलीज होते हैं ओवरी से वो जब फट जाते हैं, मतलब उसका कोई यूज नहीं होता, तो वो शरीर के बाहर चले आ जाता है। इसका मतलब है ब्लीडिंग साइकिल आपकी, तो वो जो इन्फेक्टेड ब्लड बाहर आ रहा है उसमें बहुत सारी इन्फेक्शन होता है, बहुत सारे जर्म्स होते हैं, तो उसको अगर वहीं पे किल कर दे तो वो ज्यादा स्किन को अफेक्ट नहीं करता। उससे ना आपको ब्लैकनेस होगी, फिर ना कोई फंगल इन्फेक्शन होगा, ना इचिंग होगी, इरिटेशन होगा, ना कोई जलन होगी, और ना ही आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प आएंगे। क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ेगा, इन्फ्लामेशन बढ़ेगा, इन्फ्लामेशन बढ़ेगा तो आपको क्रैम्प आएंगे। सूजन जैसे जैसे बढ़ने लगती है आपके यूरिनरी ट्रैक में तो आपको क्रैम्प आना शुरू हो जाता है, पेन होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो चिप है ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी दिखाती है, वो जर्म्स को वहीं पे किल करती है, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। दूसरा जो चीज है कि बहुत ज्यादा ओडर आती है। अब ये ओडर किस चीज की है, तो वो जर्म्स की ओडर होती है। जब वो जर्म्स ऐसे नेचुरली मर जाते हैं या इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा है, तो बॉडी आपको बताएगी कैसे कि आपके बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा है, आपको कैसे पता चलेगा। तो वो आपको ओडर देती है, एक स्मेल देती है कि बताती है कि यहाँ पे कोई फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, यहाँ पे ऐसे कोई फॉरेन मटेरियल ने अटैक कर दिया है जो आपको बॉडी को इन्फेक्शन क्रिएट कर रहे हैं और वो आपको बीमारी दे सकता है। तो ओडर क्रिएट हो रही है, तो ओडर को भी मिनिमाइज करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए यहाँ पे आपको ये एंटीबैक्टीरियल चिप जो है वो मदद करती है। और जितना इन्फेक्शन कम होगा तो इन्फ्लामेशन कम, मतलब सूजन कम हो रही है, सूजन कम हो रही है तो आपका क्रैम्प भी कम हो जाता है, आपका दर्द भी वहीं पे खत्म हो रहा है क्योंकि इन्फेक्शन नहीं हो रहा। तो इस वे में जो है ये आपको एंटीबैक्टीरियल चिप आपके क्रैम्प को, आपके मेंस्ट्रुअल क्रैम्प के ऊपर काम करती है और आपके सही से हाइजीन को मेंटेन करती है। और ऐसी चिप आपको कहीं और सैनिटरी नैपकिन्स के नहीं अंदर मिलने वाली, और इसी की वजह से हमारी सैनिटरी नैपकिन्स की जो एक कॉस्टिंग इशू आती है कि बहुत सारे लेडीज की कंप्लेन होती है कि मैम क्यों हमारे सैनिटरी नैपकिन्स मार्केटेड सैनिटरी नैपकिन्स के इतने ज़्यादा कॉस्टली लगते हैं। सो ये कॉस्टली नहीं है, ये जो है बहुत ही इकोनॉमिकल प्रोडक्ट है, क्योंकि इतना टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट, इतना स्पेशल प्रोडक्ट आपको इतने दाम में और कहीं नहीं मिलने वाला। और उसके साथ आपको पीवी तो मिल ही रहा है, आपका बिजनेस तो वैसे ही ग्रो हो रहा है, मतलब हेल्थ भी मिल रही है और आपको वेल्थ भी मिल रही है। तो ये सही रास्ता है आपके बॉडी अब बिजनेस को ग्रो करने का। यस मैम, यस थैंक यू मैम। एक और चीज मैम, जो हम अब लोग ये बोलते हैं कि हाँ भाई आपका नैपकिन है इसलिए आप अपने नैपकिन की तारीफ करते रहोगे, ये होता है ना भाई मेरा बेबी है तो मैं अपनी इसकी तारीफ करूंगी, बट सही मायने में मैंने भी दोनों ही नैपकिन को कंपेयर करके देखा है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे जो आप जो मुझे एक्सप्लेन करेंगे वो ये है कि दूसरे नैपकिन्स में जो अंदर का लेयर है समझ दिखाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूंगी तो हमारे पास ये पूरा 360 डिग्री ये पूरा एक लेयर है, ये दिस वन, ये एग्जैक्टली सच में कॉटन है। और अगर इसको कॉटन को इस्तेमाल किया तो फिर यही कॉटन क्यों, हम हमारा नॉर्मल वाला कॉटन भी इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। ओके, सो वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे कि मैंने कहा कि देखो आपके बॉडी के अंदर जाने का एक दो रास्ते है ना, एक तो आपके मुंह से जा सकता है, नाक से जा सकता है, राइट, या आप खाओगे तो जा सकता है। और दूसरा जो रास्ता है वो आपके इंटीमेट एरियाज के साथ जाता है, क्योंकि इंटीमेट एरियाज में ऐसे कोई भी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, दे आर जस्ट लाइक वो ऐसे सैग हो है। तो उसमें अगर आप जैसे कि कुछ अंदर एंटर करोगे तो वैसे ओपन हो रहा है वो। अगर हमने यहाँ पे नॉर्मल कोई भी कॉटन बेस्ड कोई भी मटेरियल यूज कर दिया तो क्या होगा, इन्फेक्शन जल्दी होगा। तो ये जो कॉटन है ये तो पहले तो स्किन फ्रेंडली है और ये पूरी तरह से सैनिटाइज होता है ताकि इन्फेक्शन क्रिएट ना हो, क्योंकि आपकी बॉडी जो है ना
वो इजीली कोई इन्फेक्शन को कैच कर लेती है। तो यहाँ पे जो भी कॉटन मटेरियल हम यूज करते हैं वो पूरी तरह से सैनिटाइज होता है और पूरी तरह से स्किन फ्रेंडली होता है ताकि आपको कोई भी इरिटेशन ना दे। आपने देखा होगा कि देखो मॉल के भी कपड़े होते हैं, एक रस्ते पे मिलते हैं रोड साइड कपड़े होते हैं, एक छोटे मोटे दुकान होते हैं उसमें भी कपड़े मिलते हैं, और थोड़ा सा मॉल से कम ऐसे शॉप होते थोड़े से एकदम फैंसी वाले उसमें भी कपड़े मिलते हैं। सभी लोगों का कॉटन चेक करो आप, सभी में वैरायटी मिलेगी आपको, और जैसे वैरायटी जैसे क्वालिटी बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे उसकी कॉस्टिंग बढ़ती है। बट सबको पता है दो मॉल के कपड़े महंगे होते हैं, ब्रांडेड कपड़े महंगे होते हैं, बट सबको पता है कि उसकी क्वालिटी भी लॉन्ग लास्टिंग होती है, क्योंकि जो कॉटन बेस्ड मतलब देखो कॉटन को यूज करना कि अलग अलग स्ट्रेन होती है। अभी जो एग्री में है उनको इसके बारे में थोड़ा ज्यादा पता है तो भी थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। कॉटन एक पेड़ पे आता है, सबको पता है हमें कॉटन जो एक नेचुरल प्रोडक्ट है जिसको बनाया नहीं जाता, तो वो नेचुरली ग्रो करते समय भी कितने केमिकल्स यूज किए हैं, सॉइल की क्वालिटी कैसी है, उसकी हार्वेस्टिंग कैसे की गई है, उसको जो बनाने की प्रोसेस है वो कैसे की गई है, इसके ऊपर जो है एक प्रोडक्ट की क्वालिटी डिसाइड होती है। तो हर एक जो प्रोडक्ट में कॉटन इस्तेमाल किया जाता है उसकी ग्रेडिंग होती है। तो हमारा जो है वो ग्रेड वन क्वालिटी में आता है जो एकदम सुपेरियर क्वालिटी माना जाता है, और इसकी वजह से हमारा कॉटन अलग है बाकी कॉटन से। ओके, अब यस मैम एक और चीज, आपने कहा था लीकेज नहीं होता है, हमारा मतलब फ्लो हैवी फ्लो भी रहा तो प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं जब इसको खोल रही थी ना ये कॉटन को दिखाने के लिए, तो इसके अंदर से ना ये एक स्ट्रिप निकला है, और यही हमारे प्रोडक्ट की तीसरी खास बात है। जैसे कि हमने पहली खास बोली कि 100% कॉटन है, सेकंड हो गई हमारी चिप हो गई, अब तीसरी खास बात कि बहुत बार लोगों का होता है कि नहीं मैम हमने तो लाखों सैनिटरी नैपकिन यूज कर रखे, हमने अलग अलग ब्रांड के अलग अलग महंगे सैनिटरी नैपकिन यूज कर रखे, पर लीकेज तो होती है और वो हैवी ब्लीडिंग को सहन नहीं कर पाता तो हमें कपड़े पे स्विच ही करना पड़ता है। मतलब ये नॉर्मल है, कॉमन बात आपको सभी जगह सुनाई देगी, और इस सवाल का जवाब है ये जो मैम अभी आपको दिखा रही है। तो मैम मुझे कागज दिख रहा है, ये है कागज। ओके, सो दिस इज अ सैप, SAP, दिस इज अ सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर। ये जो पॉलीमर है ये सोडियम बेस्ड है, सैंडविच मेथड से ये बनाया गया है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, इस टेक्नोलॉजी को लिख लो बिकॉज बहुत सारे लोग इसको पूछेंगे। तो ये जो मैम के हाथ में जो एक टुकड़ा है कागज का, तो उसको बोला जाता है सैप, दैट इज सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर। ये किस चीज से बना है, तो ये बना है सोडियम से, सोडियम बेस से बना है। और कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, तो सैंडविच टेक्नोलॉजी, मतलब सोडियम को इसको बीच में से सैंडविच किया गया है, राइट। अब ये जो है ये असल में ये काम करता है, ये है कि जितना भी पानी इसके ऊपर डालो ना ये एब्जॉर्ब करते जाता है, एब्जॉर्ब करते जाता है, क्योंकि इसका काम क्या है, ये सुपर एब्जॉर्बेंट है तो ये लिक्विड को एब्जॉर्ब ही करते जाएगा। ये इसकी क्वालिटी है, और इसी की वजह से आपको हैवीनेस फील नहीं होती, आपको कहीं पे लीकेज नहीं होगा, ना कहीं पे आपको ऐसे लगेगा कि हैवी ब्लीडिंग हो रही है मैम हमें टाइम नहीं मिल रहा है पैड चेंज करने का, तो अभी प्रॉब्लम ना हो जाए, तो ये भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं होगी। और इसी का एक डेमो है जो अभी आपको मैम दिखाएगी कितना ज्यादा सुपर और पावरफुल। ये पानी में डाल दूं? यस डाल दो। ओके, मेरे पास ये एक ग्लास है, आपको पानी दिखाई दे ही रहा होगा, ऑलमोस्ट 100 ml पानी है, मोर देन 100 ml होगा शायद ये, मैं इसमें इसको डाल रही हूँ। आप बोल तो रही हो मैम कि ये सुपर एब्जॉर्बेंट है, लेकिन क्या पूरा एब्जॉर्ब करेगा? यस, मतलब ऐसे मैजिक हो जाएगा, मैजिक जो ऐसे जादूगर दिखाते हैं ना कि जादूगर के खेल देखने जाते हैं, तो मैजिक, तो ये हमारे ना मेंस्ट्रुअल हाइजीन का मैजिक है, मतलब तो आप ये मैजिक हर घर में दिखा सकते हो। ये मतलब मैं आज मैजिक दिखा रही हूँ। यस यू आर अ ड्यू गार्डन मैजिशियन नाउ। यस, वही लाइव देख रहे हो आप लोग, 1 to 2 minutes। हाँ, मैं सब वही बोलने वाली थी कि आप सब लोग लाइव देख रहे हो, मैंने कुछ किया नहीं है, ठीक है, मैंने सिर्फ जादू किया है, मैंने पानी के अंदर वो कागज का जो टुकड़ा निकला था ना, जिसको मैम ने बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज में कहा था, उस टुकड़े को मैंने इसके अंदर डाल दिया था, एंड
मैं देख रही हूँ, मेरा पूरा ग्लास पानी से भरा हुआ था, मेरे ग्लास में पानी नहीं है, और आपको देखना है कि है या नहीं है पानी, फिर काम करते हैं, ग्लास को मैं उल्टा कर देती हूँ, पूरा गायब। ये रहा पानी, एक्चुअली ये है पानी मेरे हाथ में, मतलब पूरा जितना पानी था वो उसने सोख कर लिखा है। अभी देखो ना, मतलब पानी गिर भी गया तो भी पानी नहीं बाहर निकला ना, पूरा निकल गया तो पानी नहीं है, ये पूरा ग्लास, मतलब ये पूरा का पूरा मुझे ये दिख रहा है, इट्स लाइक ग्लास के शेप में पूरा सॉलिड बन के रखा हुआ है, पानी है ही नहीं बिल्कुल भी इसमें। तो मैम ये है क्या जो पानी बिल्कुल नहीं है? प्रॉपर्टी, यस, सो दिस इज द प्रॉपर्टी। तो जिस वे में उसने पानी को फटाफट अब्सॉर्ब किया, उसी वे में जब आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आपको वेटनेस फील नहीं करता, मतलब ये ऊपर नहीं रहेगा आपके सैनिटरी नैपकिन के ऊपर ही नहीं रहेगा, ये जल्दी से फटाफट एब्जॉर्ब हो जाता है, तो आपको बिल्कुल भी वेटनेस फील नहीं होती। बट मैम इसके अंदर ड्राई आपको यहाँ पे फील, मैम इसके अंदर कुछ तो छोटा छोटा बॉल्स है, दीज आर पॉलीमर्स, दीज आर पॉलीमर्स, दीज आर द पॉलीमर्स, और आई कैन से इट्स एलोवेरा जेल टाइप ऑफ मटेरियल, जिसमें एलोवेरा का जेल लाइक स्ट्रक्चर है इसका, यस एलोवेरा जेल लाइक स्ट्रक्चर है, बट इट इज मेड अप ऑफ सोडियम, दिस इज सोडियम बेस्ड पॉलीमर। अच्छा, ये सोडियम बेस्ड पॉलीमर है। अब मैम सोडियम बहुत टेक्निकल लैंग्वेज हो जाती है, कहीं ना कहीं केमिकल हो जाता है, ठीक है। सो अब ये सोडियम है, तो सोडियम तो जहां तक मुझे पता है सोडियम तो बहुत नुकसान करता है बॉडी को, सोडियम जो है बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, हमारे सी वाटर में होता है, इवन हमारे बॉडी के अंदर भी सोडियम होता है, हमारे बॉडी के अंदर वो ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए मदद करता है, राइट। तो इट्स अ सॉल्ट, सॉल्ट है वो, और हर एक किसी को सॉल्ट की जरूरत होती है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए, राइट। तो इसीलिए सोडियम का इस्तेमाल किया गया है ताकि आपको कोई भी उसके साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट यहाँ पे ना। मैम अगर ये इस तरह से जम जा रहा है, सो वेरी सिंपल, ये हर एक औरत या हर एक लेडी, मेरा भी दिमाग यही बोल रहा है कि अगर इस तरह से सॉलिड हो जा रहा है, ठीक है, तो इट इज गुड कि हमारा सारा अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो एब्जॉर्ब कर लेगा, बट जब हमें इसको डिस्पोज करना होगा, हम उसे कैसे करेंगे डिस्पोज, ये तो ऐसा लॉक कर देगा। आपको कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, अब इसको डिस्पोज करने के लिए इसमें अगर आप सॉल्ट वाटर, सॉल्ट डाल दोगे, नमक डाल दो एक चम्मच, वैसे वो मेल्ट हो जाएगा, आप ट्राई कर सकते हो, डेमो दिखा दो आप इसका। ओके, तो मैं सॉल्ट लेके ही बैठी हूँ, ये 1 टीस्पून इनफ है? बट मैम आपने मुझे ग्लास में सॉल्ट डलवा दिया, बट ऑफकोर्स जहां तक मैंने मुझे पता है मैक्सिमम लेडीज इसको डिस्पोज करती या तो सीधा फ्लश आउट करती है या yes. अब या डस्टबिन में जाएगा सपोज, बट ओवरऑल तो उसके जो जो मैंने देखा है नॉर्मल नैपकिन में कि अगर वो हमने उसको फ्लश किया तो कहीं ना कहीं वो चोक कर देगा, राइट और अगर डस्टबिन में गया तो उसकी मटेरियल के कारण ये ना हो कि वो कहीं मिले ही ना, एब्जॉर्ब ही ना हो, कहीं पे भी डिस्पोज टोटली ना हो, तो जिसके कारण एनवायरमेंट को नुकसान ना हो। ओके, सो यहाँ पे एक चीज पहली जो आपको ध्यान रखनी है कि इसको फ्लश आउट नहीं करना है, चाहे वो आपका कितना भी अच्छा क्वालिटी वाला सैनिटरी नैपकिन हो, कितना भी महंगा हो, कहीं से भी आपने पर्सनलाइज मंगवाया हो, या अभी और हमारे वेस्टिज का भी है, इसको नहीं करना है आपको फ्लश आउट। फ्लश आउट करोगे तो इससे आपको और ज्यादा प्रॉब्लम आपको भी होगी और उससे कई ज्यादा और लोगों को प्रॉब्लम होगी, राइट। दूसरी चीज, इसको डिस्कार्ड करना है, जैसे हम कचरा डिस्कार्ड करते हैं वैसे आप इसको डिस्कार्ड कर लो। अब ये सारा जो है डंपिंग एरिया में जाता है, जो मिट्टी के साथ ही जाता है, मतलब नेचर में ही जा रहा है, डंपिंग में चला जाता है, उसके टुकड़े हो जाते हैं जहीं पे भी, पर हमारे एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा सोडियम है, हमारे मिट्टी में सोडियम होता है, सी वाटर हमारे पास है तो सोडियम है, तो एनवायरमेंट के साथ वो फ्रेंडली हो जाता है और वो डिकम्पोज हो जाता है, जैसे हम हमारा बाकी कचरा कैसे मिट्टी के साथ डिकम्पोज हो जाता है, कंपोज बना लेते हैं हम उसका, तो ये कंपोज बन जाता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर पहली चीज क्या थी? कॉटन। कॉटन कहाँ से आया है? नेचर से आया है, नेचर से आया, नेचर के पास हमने फिर से बेच दिया। ब्लड, ब्लड फ्लेश तो वैसे ही कंपोस्टेबल, मतलब बॉडी से ही निकल रहा है, तो वो तो वैसे ही एनवायरनमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं करता, वो कंपोस्ट हो जाएगा। तीसरी चीज, सोडियम बेस्ड हमारा पॉलीमर है,
सोडियम तो हमारे एनवायरनमेंट में वैसे ही प्रेजेंट होता है, तो वो भी हमारे एनवायरनमेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं करता. तो इट्स अ एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट. आप अब इसको मेल्ट कर रहे हो, आप अभी देखो कि पूरी तरीके से वो पानी हो चुका है, वो पूरी तरीके से जो है वो पानी हो चुका है उसका. और उसमें अभी थोड़े थोड़े फ्लैशेस दिखेंगे, और वो जो फ्लैश है वो है कॉटन के, इट्स अ कॉटन. ओके, ये तो इसमें सारी चीजें हैं. यस, तो ये जो है ये कॉटन का है, तो ये पूरी तरीके से इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है. पर बाकी जो सैनिटरी नैपकिन आपने देखे होंगे ना कि कचरे के आजू बाजू ऐसे पड़े होते हैं, तो वैसे नहीं होंगे ये, या कभी कंपोस्ट हो इसका हो ही नहीं सकता, या एनवायरनमेंट को बहुत प्रॉब्लम देगा, ऐसे कुछ नहीं होगा. थोड़ा सा इसके ऊपर सॉल्ट वाटर या सोडियम के साथ ये कॉन्टेक्ट में आ जाता है, वो वैसे ही मेल्ट हो जाता है, वो टुकड़े हो जाते हैं, वापस पानी बन गया. यस, वापस पानी बन गया. वाओ, तो इट इजी. यस, मेरे को जादू एक नया आ गया मैम, थैंक यू. यस, पानी को मैंने सॉलिड बनाया और अब उसको वापस मैंने डंप कर दिया. मतलब मीटिंग में खा सकते हो आप. मतलब मैम कि बिना बर्फ के पानी को मैं आइस बना सकती हूँ, ये दिख गया मुझे यहाँ पे, सॉलिड बन सकता है. बट इट इज लिमिटेड टू ड्यू गार्डन ओनली. या इट्स लिमिटेड टू ड्यू गार्डन ओनली, फाइन. ओके, अब ना मैम ये आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट किया कि भाई मटेरियल कैसा है, ग्रिपेनॉइड चिप है, एवरीथिंग. मैं सबसे अग्री हूँ आपकी सारी बातें. जो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है और जिसके कारण लोगों को प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण इन्फेक्शंस होती है, इरिटेशंस होती है, इंटीमेट एरिया की स्किन डैमेज हो जाती है, वो है हमारा एक्चुअली जो बेस है नैपकिन का. क्योंकि ज्यादातर नैपकिन के बेसिस मैम प्लास्टिक वाले होते हैं. अब अगर उसको मैंने कपड़े पे, आपने बताया था कि नैपकिन को कपड़े पे चिपकाना है, आपने शुरुआत यही की थी कि कैसे चिपकाना है, ठीक है, मैंने सब कुछ कर लिया. लेकिन मैम अगर वो ब्रीदेबल ही नहीं है, ठीक है, तो अफकोर्स मेरे स्किन को नुकसान है. और जो मैंने देखा है कि सारे नैपकिन ऐसे हैं कि जहां वो ब्रीदेबल है ही नहीं, तो नुकसान तो है ही. अब हम 8 घंटा 10 घंटा अब 3 दिन तक आप अफकोर्स सैनिटरी नैपकिन लेके लगा के घूमते रहते हैं पूरा दिन, आप सोचिए आपका स्किन कैसे होता है, फिर स्किन डैमेज हो जाता है. तो इसकी जो एक ब्रीदेबलनेस जैसे कि मैम ने बताया है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन ट्रांसफर नहीं होगा ना तो आपकी स्किन खराब होगी. तो यहाँ पे जब आप सैनिटरी नैपकिन यूज कर रहे हो तो आप एक बैरियर क्रिएट कर रहे हो आपके इंटीमेट एरियाज के अंदर और ऑक्सीजन के बीच में. तो ये बैरियर नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे सैनिटरी नैपकिन होने चाहिए कि हवा जो है वो आर पार जानी चाहिए. अगर एक लेमन भाषा में बोलूं तो हवा जो है वो आर पार जानी चाहिए, तब जाके वो ब्रीदेबल होते हैं. और ब्रीदेबल रहेंगे तो ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छे से होता रहेगा, तो इन्फेक्शन कम होगा. अब ये प्रूफ करने के लिए बहुत इजी है, गर्म पानी लीजिए एक ग्लास में और हमारा जो सैनिटरी नैपकिन है वो उसको उसके ऊपर लगा दीजिए. एक ग्लास में गर्म पानी बॉइल वाला लीजिए जिससे वेपर जा रहे हैं, ताकि आप देख सको उसको. और उसको पूरा जो आप कर रहे हो मैम, मैं कर लेती हूँ, मैं लेके बैठी हूँ, सिर्फ मुझे क्वेश्चन करना था आपको कि भाई आप मुझे बताओ. अब आप बोल ही रहे तो मेरे स्टडी टेबल पे मेरा स्टीमर पड़ा हुआ ही है, तो आई थॉट क्यों ना मैं इसको ट्राई कर लूं. यस मैम, पूरी तैयारी में आज बैठे हैं, मतलब आज वो पूरी तरह से न्यूडू गार्डन को नोचने वाली है मेरे से. ओके, नो प्रॉब्लम. जैसे कि मैम के पास अभी एकदम उबलता हुआ पानी है, वेपर्स आ रहे हैं उसके ऊपर से. एक मिनट मैम, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं, मैं नैपकिन भी निकाल लूं. मैं अपना ना स्टीमर लेके बैठी हूँ, आपको स्टीम दिख रही होगी ना, मैं नैपकिन भी ले लेती हूँ जस्ट. ये नैपकिन है, इसको करना क्या मैम बता दो मुझे. खोल दो इस नैपकिन को, खोल दो. हाँ, इसको खोल दो. यस मैम, खोल दिया मैंने. अब उल्टा उसको रख दो ग्लास के ऊपर, या इसका पीछे का पेपर निकालना है. हाँ हाँ, निकाल दो. ओके, और इसको इस तरह से ऐसे इसको प्लेस करो, विंग्स को ओपन कर दो. ओके, हाँ विंग्स ओपन कर दिए मैंने. रख दो उसके लीड के ऊपर, क्लोज कर दो पूरा, जो चिप वाला हिस्सा है वो उसके ऊपर रख दो. ओके, रख दिया. पूरी तरह से क्लोज करो अब उसको. ग्लास रख दो उसके ऊपर. यस, ग्लास रख दो ताकि समझ में आए. यस, अब आप देखोगे पूरी वेपर ऊपर आ रही है, ग्लास में दिख रही होगी सबको. तो अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि ये
इसकी जो पोरोसिटी है मतलब इसमें जो छोटे छोटे छेद है वो ऑक्सीजन को भी ट्रांसफर कर रहे, हवा को आजू बाजू आने दे रहे हैं, जो नॉर्मली सैनिटरी नैपकिन में नहीं होता। नॉर्मली सैनिटरी नैपकिन में क्या होगा कि जहाँ पे ब्लड आपका रिमूव होगा वो वहीं पे लोकेट रहता है, तो ऑक्सीजन सप्लाई ना होने के कारण वहां पे जो है इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं। बट हमारे सैनिटरी नैपकिन ब्रीदेबल लेयर देते हैं ताकि ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपरली हो सके और आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा इरिटेशन इन्फेक्शन यहाँ पे ये प्रॉब्लम आपको ना हो, राइट। तो दिस इज द, अब आप देखोगे कि पूरे ग्लास में जो है वेपर जमा हो चुकी है। क्यों हुई है? क्योंकि वो ब्रीदेबल लेयर है, ब्रीदेबल लेयर होने के कारण वेपर जो है पूरे ग्लास में ट्रांसफर हो गई, तो उसी तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई भी कंटिन्यूस रहता है जब आप साइड नैपकिन यूज करोगे तो भी, तो आपको यहाँ पे इन्फेक्शन ना होने के बहुत चांसेस है, मतलब इन्फेक्शन नहीं होता है, सही से आपकी हाइजीन जो है वो मेंटेन रहती है। आई गेस हमने सारी चीजें जो बता दी आपने वो प्रूफ भी कर दी है। तो लाइक अभी क्या होगा लेडीज का, अरे बाप रे, अब तो हम ये कंप्लेंट जरूर नहीं करेंगे कि मैम 250 रुपीज तो अभी यू दे सकते हैं हम इस प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि अगर कोई भी सवाल हमसे अभी पूछता है तो हमारे पास तो डेमो है, मैम ने इन्फॉर्मेशन दी है जो हमने नोट डाउन कर रखी है, तो सारे सवालों के जवाब दे दिए, अब क्यों मना करेंगे लोग लेने से ना, राइट। मतलब नॉर्मली जब हम मार्केट में फील्ड में जाते हैं तो यही एक सवाल होता है कि सवाल पे हम अटक जाते हैं, और आई गेस ये सेशन हम पहली बार ऐसे कर रहे हैं इतना जनरल और इतना ओपन कि मतलब मेरे जो भी ट्रेनिंग्स होती है वो थोड़ा पीपीटी के साथ होता है, थोड़ा फॉर्मल होता है, थोड़ा टेक्निकल होता है, तो उसको समझने के लिए क्वाइट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इजी गोइंग जा रहा है, मस्त हम एंजॉय भी कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, राइट। यस ओके। अब जो आपने बोला कि लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि ये मेरा पॉइंट है अब कि भाई बहुत महंगा है, एंड नो डाउट मुझे बहुत सारे लोग कंप्लेन भी करते हैं मैम 250 रुपए का प्रोडक्ट है और इस एक बॉक्स के अंदर 10 नैपकिन आते हैं और आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हो, मतलब ये कि 6 आपके मीडियम साइज के नैपकिन आते हैं और जो 4 है वो आपके लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज साइज के आते हैं, राइट। तो आपको जिस तरह से फ्लो है उस हिसाब से इसको यूज कर सकते हो। ओके नाउ अब लोग मुझे ये बोलते मैम महंगा है, 250 रुपीज का एक पैक है। सो मेरे साथ ना प्रणाली मैम है, अब मैं ना मैम आप मुझे बताइएगा बिकॉज यू आर द राइट पर्सन इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए और हम साथ साथ में ना कैलकुलेशन भी करते जाएंगे, है ना। सो क्लियर कर दे, बिल्कुल, ताकि हम क्लियर कर दे कि भाई क्यों महंगा है, जिसको महंगा लग रहा है तो उसको भी पता चले कि महंगा है या नहीं। प्रणाली मैम आपकी ट्रेनिंग मैंने बहुत बार देखी, बहुत बार सुनी है और आप ये बोलती हो कि 13 साल की उम्र से लेके 40 साल की उम्र तक, सॉरी 45 की एज तक के लेडीज पीरियड्स पे बैठती है। यस, ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज वो तो 10-11 से हो रहा है शुरू, बट ऑन एन एवरेज 12-13 साल। तो मैं एवरेज गिन के चलती हूँ इसको कि एवरेज 13 से लेके 45। अब एवरेज के हिसाब से 13 से 45 कितने साल हुए मैम? 13 से 45 कितने हो गए? 32-30 मान लो, 30 साल। मतलब हम हर औरत अपनी जिंदगी के 30 साल पीरियड्स पे होती है। अब अगर मैं 500 मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब मैं क्लियर करा देती हूँ, 500 टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स एक लेडी जो है वो कैरीड आउट करती है मिनिमम, मिनिमम 500, ठीक है। अगर मैं 30 साल गिनूं, हम साल के हिसाब से चले जाते हैं मैम, अगर 30 साल गिनते हैं तो एक साल में 12 महीने, 30 साल में कितने महीने? 360 महीने 30 साल में। अब सिंपल है, मैं अगर एक महीने मेरा नॉर्मल वाला नैपकिन यूज कर रही हूँ जिसके पीछे व्हाटएवर जो भी मैं पे कर रही हूँ वो, ठीक है, और अगर मैं इसके पीछे 250 रुपए पे कर रही हूँ तो 360 महीने मल्टीप्लाई बाई 250। मुझे बहुत एक अलग ही कैलकुलेशन में बताने जा रही हूँ आप सबको, 90,000 मैम मैं 1,00,000 गिन लू? हाँ हाँ पक्का, है ना, 90,000 कम है, उससे भी कम गिनती आती है, उससे भी कम आती है कैलकुलेशन। एक्चुअली अगर सही आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने जाओ ना तो आपका कैलकुलेशन 84,000 आता है सिर्फ, बट मैं हायर साइड में ले जा रही हूँ
1 लाख। मतलब मैम हम हमारी हाइजीन के पीछे 30 सालों में सिर्फ 1 लाख रुपए खर्च करते हैं। अगर हम इसको देखें तो अगर हम 250 रुपए वाला यूज करें तो अगर हम ये नहीं यूज करते जिसमें इतनी सारी क्वालिटीज है, जितनी सारी फैसिलिटीज है, आप सोचिए 30 साल मिला के 1 लाख होता है। और अगर आप अपना जो भी नैपकिन यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं शायद आप पूरे 30 साल का सिर्फ 36,000 रुपए या 40,000 रुपए स्पेंड कर रहे होंगे। लेकिन उसके बाद जो आपकी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि मैंने जो स्टडी किया है, कभी कभी मैं भी स्टडी कर लेती हूँ, तो मैं स्टडी में मैंने देखा है फीमेल्स को सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर हो रहे हैं, सबसे ज्यादा वेजिनल इन्फेक्शन फीमेल्स को हो रही है, रेशियो लेडीज का सबसे ज्यादा, इवन किडनी प्रॉब्लम्स में सबसे ज्यादा रेशियो फीमेल्स का ही है, वर्ल्ड वाइड की बात कर रही हूँ, और उसमें भी हार्ट अटैक फीमेल्स को सबसे ज्यादा। ये सारी प्रॉब्लम्स मैम कहीं ना कहीं डू यू थिंक कनेक्टेड है हाइजीन से? यस एब्सोल्युटली। तो अगर मैं 30 सालों का अगर मैं 1 लाख रुपए स्पेंड करूं तो आई थिंक मैं अपना जिंदगी भर का 10 से 12 लाख रुपए बचा सकती हूँ। परफेक्टली, एक बार एकदम सही एग्जांपल है। मतलब कैंसर की ट्रीटमेंट या यूटीआई इन्फेक्शन ही पकड़ लो, या ज्यादा से ज्यादा पीसीओडी ही पकड़ लो, आप मेंस्ट्रुअल इररेगुलरिटीज की भी जो प्रॉब्लम होती है, तो कितना ज्यादा खर्चा हो जाता है, कितने सारे फीस हम डॉक्टर को दे देते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट में कितने सारे पैसे लग जाते हैं, और ऊपर से मेंटल स्ट्रेस आता है वो अलग लेवल का है, राइट? तो हमें इतना सा चेंज, कितना ज्यादा चेंज करना है। अब ये तो मैंने 30 साल का कैलकुलेशन बताया आपको, आप सिंपल आ जाओ 1 साल में 12 महीने, 1 महीने का 250 रुपए, 12 महीने का कितना हुआ, फिर कर लो 3,000, एक साड़ी आ जाती है इसमें 3,000। सिर्फ 3,000 रुपए का खर्चा है आपका पूरे 1 साल का, और अगर मैं 3,000 के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो आपका एक नैपकिन के पीछे आपको मिलता है 8 PV। ये भूल गए थे आप कि आपको 100 PV तो ऐसे मिल गए साल के, तो आपको ऐसे ही मिल गए 100 PV। मैं हमेशा हर एक को यही चीज सजेस्ट करती हूँ कि वाई नॉट ये कैलकुलेट करके बताओ किसी को, समझ में आता है यार? और ये मैंने हायर साइड पे 1 लाख रुपए लेकर गई हूं। अगर आप आपको पता है आपका एक पैकेट 1 महीना चल रहा है या 1.5 महीना चल रहा है, यू नो वेरी वेल, है ना? अगर आप उसको कैलकुलेट करके देखोगे तो आपका जो कैलकुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 84,000 रुपीज आता है 30 सालों का, 30 इयर्स का। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये ज्यादा अमाउंट है, 250 रुपए पूरे साल का, सिर्फ 3,000 है यार। और अगर इसको आप 1.5 महीने के हिसाब से भी यूज करोगे तो शायद पूरे साल का आपका 2,000 का ही खर्चा आएगा, तो आराम से इसको यूज कर सकते हो। तो महंगा बिल्कुल नहीं है, महंगा एक्चुअली आपके यहाँ पे। और जो हमारा जो है ना वो 7 स्टेप्स, 7 स्टेप पे सबसे पहला स्टेप है यूज दी प्रोडक्ट। हम वही नहीं करते, हम यूज नहीं करते, और इसीलिए हम प्रोडक्ट को महंगा समझते हैं। हमने यूज ही नहीं किया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सैनिटरी नैपकिन, आई एम टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। सप्लीमेंट्स ले लो, आप देखोगे प्रणाली बहुत सारे सप्लीमेंट्स के बारे में बताती है। कितने लोग सप्लीमेंट को यूज करते हो? मैं बहुत बार स्किन केयर के बारे में बताती हूँ, कितने लोग आप स्किन केयर यूज कर रहे हो? मुझे पता है यू आर वेरी वेरी कंफर्टेबल विद द नॉर्मल प्रोडक्ट्स जो है वो, बट हमेशा ना बड़ा सोचो, सोचने की हिम्मत करो एंड कर डालो। जब शुरू करोगे ना यू विल कम टू नो कि यार बहुत इजी है ये काम। दिक्कत हमारी है, हम कैलकुलेशन पे नहीं जाते, हम पीवी पे नहीं जाते, हम हमारे दिमाग से सोचते यार बहुत महंगा है, और जब हम सोच लेते हैं महंगा है तो खत्म, हम उसके ऊपर हाथ ही नहीं रखते। एंड यू डोंट नो, यू नो प्रणाली मैम, मेजर स्टेट इज महाराष्ट्र, महाराष्ट्र पीपल्स को ये महंगा लगता है।
गुजराती को ये महंगा लगता है, गोवंस जो छोटा सा लोकैलिटी है वो गोवंस इसको सबसे ज्यादा परचेज करते हैं, दे नो द बेनिफिट ऑफ दिस, उनको पता है सैनिटरी नैपकिन कितना अच्छा है और उनका एक फंडा क्लियर है कि हाँ यूज करना है। पहले किसी गोवंस को पूछो, वेस्टीज का कोई बंदा होगा अगर गोवा का है उसको पूछो, वो आपके नैपकिन कितने सारे ये बताएगा इलाज किससे क्या क्या हो सकता है, मतलब आई वाज शॉक्ड। और उनमें से किसी ने एक ने मुझे ये कैलकुलेशन सिखाया, आई वाज लाइक वाओ इतना खर्चा मैंने कभी सोचा भी नहीं था, इतना कम में खत्म होता है ये, आई नेवर थॉट अबाउट दैट। और वहां के लोग अपने ऑर्डर में एक नैपकिन जरूर डालते, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, फीमेल का समझ में आता है, मेल का मुझे नहीं समझ में आया था तो मैंने क्वेश्चन किया था क्यों, बोले मैम जब भी मेरी टीम में कोई नया लोग कोई नई लेडी आती है ज्वाइन होती है आई गिव गिफ्ट टू हर, सो आई एवरी मंथ आई परचेज दिस, बिकॉज ये नहीं है कि मैं इसके बारे में बोल के अवेयरनेस करूं, अगर मैं इसको दूंगा तो भी एक अवेयरनेस आती है। और ये कैलकुलेशन बताओ सीरियसली, जब आप ये कैलकुलेशन पे बात करते हो ना ये आपका बेनिफिट दे देता है। सो यस मैम, मैंने तो मेरा कैलकुलेशन बताया, आगे आपकी बारी। मैम ने कैलकुलेशन भी बता दिया और हमें जगह भी दिया है ना, साल की मतलब हम पार्लर में जाते हैं तो 1000 रुपए तो ऐसे ही डाल देते हैं, मतलब कोई भी एक आधी ट्रीटमेंट भी अगर हम पार्लर में जाके कराते हैं तो 500 से 1000 रुपए से तो नीचे तो मिलेगी नहीं, उसमें से भी अगर आपके बाल लंबे होंगे और आपको हेयर स्पा कराना है तो उस टाइम पे इतना बुरा फील होता है कि क्यों मेरे बाल इतने लंबे हैं, क्योंकि बाल जितने लंबे उतने कॉस्टिंग ज्यादा, तो 2-3 हजार रुपए तो हम वही पैसे दे देते हैं हेयर कट कराना और हेयर स्पा, उस चक्कर में तो हम ऐसे सोचने लगते हैं कि कराना जरूरी भी है कि नहीं जरूरी है, तो वो सारी चीजें इतनी जरूरी नहीं है, पर उतना जरूरी हमें हाइजीन के ऊपर ध्यान देना है, राइट। तो इतनी सी चीज है और मैम ने बहुत ही एक बोलते ना जले पे नमक एकदम टू द पॉइंट भी बात कर ली कि मैम अभी तो हम ना बोल ही नहीं सकते, हमें तो अभी ये परचेस करना ही पड़ेगा, राइट। सो यूज इट, यू विल फील इट और देन यू विल रियलाइज इट कि कितना बेहतरीन ये प्रोडक्ट है और हाइजीन कितना मैटर करती है। देखो आपकी स्किन अच्छी ग्लो करती है ना तो आपको कितनी खुशी होती है, वाह आज तो स्किन डे है, मतलब आजकल एक नया ट्रेंड आया है ये हेल्दी स्किन डे, कि आज तो मेरे स्किन ग्लो कर रही है, या हेयर डे होता है कि मैं आज मेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो वैसे यू जस्ट इमेजिन कि जब हाइजीन को हम फील करेंगे अच्छी तरीके से कि नहीं आज मुझे रैशेस नहीं है, इचिंग नहीं है, बिल्कुल एकदम फ्रेश फील हो रहा है, फ्रेश लग रहा है, स्ट्रांग लग रहा है, तो आप कितना इंटरनली कितना खुश हो जाओगे, राइट। तो दिस इज लाइक मोर इम्पॉर्टेंट, हाइजीन आपके मेंटल हेल्थ से भी बहुत ज्यादा रिलेट करती है, तो इसको वैसे ही देखिए, वैसे जैसे मैम ने बताया है वैसे प्रेजेंट करोगे। देखो ऑल इट इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, आप कैसे चीजों को प्रेजेंट करते हो, राइट। फिर एक छोटी सी मतलब इट्स नॉट अबाउट सेलिंग, इट्स अबाउट द बेनिफिट्स। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है ना तो उसको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं लगती क्योंकि आपको प्रोडक्ट ही खुद बोल देता है, बट द थिंग इज एंट्री, कि उस प्रोडक्ट की एंट्री होना जरूरी है, वो प्रोडक्ट का यूज करना जरूरी है, जो आपके हाथ में है यूज इट फील इट एंड देन जस्ट स्प्रेड इट। आप इतना भी कर लोगे ना तो भी बहुत अच्छे से आप आपके हेल्थ को भी मेंटेन करोगे एंड द वेल्थ इज देयर ऑलवेज। वन मोर थिंग कि मैंने कहा यूज इट, बट यूज इट के साथ साथ एक दो बॉक्स इस महीने आप दो बॉक्स लोगे, दो पैक्स लोगे, एक पैकेट आपके लिए आपका यूज करना है इसलिए, दूसरा पैकेट उस इस नैपकिन में ना 10 नैपकिन आते हैं इस पैकेट में, आप इस एक पैकेट से आप 5 लोगों को डेमो बताओगे। जैसा मैंने आज आपको 2 नैपकिन से पूरा डेमो दिखाया, एक नैपकिन को पूरा फाड़ा था, एक एक चीज बताई थी, आप वही करोगे और एक नैपकिन आप स्टीम करके रखोगे, स्टीम के ऊपर रखोगे एंड आप बताओगे ट्रांसपेरेंट वाटर वेपरेशन का है ना। सो आप एक पैकेट से 5 लोगों को डेमो दिखा सकते हो, इमेजिन करो अगर आप 5 लोगों को डेमो दिखाते हैं, 5 में से अगर आपके सिर्फ 2 लोग कन्वर्ट भी होते हैं तो आपका 2 नंबर 2 लोग बढ़ जाते हैं जिसको आप आगे
फास्ट स्टार्ट 8 के लिए पुश कर सकते हो और आप पीछे वालों को ब्रॉन्ज के फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लिए पुश कर सकते हो सिर्फ इन प्रोडक्ट से। आपको पता है पहले हमारे यहाँ 2016 से पहले हमारे पास फीमेल्स का जो ग्रुप था, या मैं कहूंगी कि फीमेल जो थी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स, फीमेल डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं थी, बहुत रेयर, बहुत कम परसेंटेज थे फीमेल्स के। आफ्टर 2016 ग्रो हुआ है, बहुत ज्यादा ग्रो हुआ है फीमेल डिस्ट्रीब्यूटर्स का, और आज की डेट में आप देखोगे फीमेल डिस्ट्रीब्यूटर्स का नंबर बहुत बड़ा है। सो आपके पास बहुत बड़ी रेंज है। आप ये नहीं सोच सकते मैं जाके किसको बताऊं, मेरे तो अपलाइन भी मेल है, डाउनलाइन नहीं है, ये वो नहीं, बहुत सारे लोग हैं। और अगर आप अवेयरनेस पे बात करते हो तो सुनने वाले लोग हैं। जूम मीटिंग करते हो, एक जूम मीटिंग में भले 5 लोग आ रहे हैं, नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, बिठाओ उनको और इनको सिर्फ जूम कॉल पे, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है ना, जितनी जितनी भाषा समझ में आती है, जितना प्रणाली मैम ने बोला, जितना आपने लिखा और जितना मैंने दिखाया, सिर्फ उतना बता दो और कुछ नहीं करना है। और उसके साथ साथ कैलकुलेशन 1,00,000 रुपए से डरा समझ में आ जाएगा। मैंने वही किया है आपके साथ, मैंने आपको 1,00,000 रुपए दिखाया और 1,00,000 के सामने 10,00,000। अब आपकी इच्छा 1,00,000 स्पेंड करना है, वो भी 30 सालों के मिला के, या नेक्स्ट मतलब 40 साल 35 साल के हो जाने के बाद 10,00,000 स्पेंड कर, आपके ऊपर डिपेंड करता है, टोटली इज योर कॉल। यस मैम, फिनिश हो चुका है मेरा, मैंने सब कुछ बता दिया। ओके, यस सर। तो हाइजीन के बारे में मैं क्या बताऊँ, मतलब साइंस की तरफ से भी बात की है और सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू भी देखी, चीजों को दोनों को बैलेंस करना है, क्योंकि यही लेडीज का एक चीज होती है कि लेडीज को चीजें तो सारी पसंद आ जाती है जल्दी जल्दी, बट फिर भी जब पैसों की बात आती है तो थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाते हैं कि नहीं ये चीज गलत है, बाकी सब सही है बस ये चीज गलत है। तो आई गेस ये गलत भी चीज आज सही कर दी है मैम ने, राइट। सो कैन आई एक्सपेक्ट कि जहाँ पे यहाँ पे आज 800+ लोग थे, अब फिलहाल 600+ है, कैन आई एक्सपेक्ट कि इतने जहाँ पे जितनी भी लेडीज है, क्या वो सभी लोग आज सैनिटरी नैपकिन्स परचेस करेंगे और हमारे साथ फोटो या एनी फॉर्म ऑफ जैसे आप कनेक्ट हो पा रहे हो, या आप मेल कर दो हमें, मैं आपको मेल आईडी शेयर कर देती हूँ।